नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाक विद तन्वीर में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बिजनेस न्यूज, जिसमें हम आपको आज एक वीक में एक बार हमारी वीडियो आया करेगी और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज रहा करेगी कि किस भी कंपनी ने क्या क्या काम किया है, कौन से नए बिजनेस स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और कितनी फंडिंग मिली है, कैसे कैसे ये बिजनेस काम कर रहा है। तो मैं आज इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट बता देता हूँ आपको कि टिकटॉक एक मशहूर ऐप है जिसने बनाया हुआ है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। इसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की हुई है। और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप से रिलेटेड है। व्हाट्सएप के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है और कोरोना की वजह से सारे ऑफिस बंद चल रहे हैं। तो पहले हम लोग जब भी स्टेटस लगाते थे 30 सेकंड की वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा सकते थे, लेकिन कोई भी ऑफिस में वर्क ना होने की वजह से सारे इम्प्लॉय छुट्टी पर हैं और सर्वर बैकअप की समस्या होने की वजह से उसको घटा करके 15 सेकंड का कर दिया गया है, जिससे कि हम लोग स्टेटस लगाएं कि कोई भी वीडियो स्टेटस मात्र 15 सेकंड का ही वीडियो स्टेटस। एयरटेल कंपनी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बात को रखते हुए अपने ग्राहकों को 10 रुपए बैलेंस के तौर पे दे रही है और जिनकी भी वैलिडिटी 14 तक खत्म हो जा रही है, 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन में इसको बढ़ा करके 17 अप्रैल तक कर दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं।